नाउ वी आर रीडिंग सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी और ऑफिसर को सर्व किया जा सकता है बाय सर्विंग इट ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. अब ये कैसे सर्व किया जाएगा, पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कोरियर के थ्रू, या फिर कंपनी के ऑफिस पे छोड़ के. ये इलेक्ट्रॉनिकली भी सेंड किया जा सकता है. अगर कोई भी सिक्योरिटीज है जो डिपॉजिटरी ने हेल्ड कर रखी है तो उसका जो भी रिकॉर्ड्स है, अगर उसके रिकॉर्ड्स सर्व करने हैं डिपॉजिटरी को, तो इट मे बी सर्व्ड बाय सच डिपॉजिटरी ऑन द कंपनी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. मतलब कि अगर डिपॉजिटरी के पास सिक्योरिटीज है तो डिपॉजिटरी जो है वो कंपनी को कोई भी रिकॉर्ड्स भेज सकती है बाय सर्विंग इट इलेक्ट्रॉनिकली टू द कंपनी या कोई भी अदर मोड से. अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रार को या किसी भी मेंबर को पोस्ट से भेज सकती है कंपनी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकती है, कोरियर से भेज सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकती है. अगर कोई मेंबर को डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डिलीवरी मांग सकता है कंपनी से ऐसी फीस पे करके जो फीस एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हो गई है. ठीक है, एक निधि कंपनी है तो निधि कंपनी में उन्हीं मेंबर्स को डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे जो 1,000 रुपये से ज़्यादा के शेयर्स, फेस वैल्यू के शेयर्स हेल्ड करते हैं, या फिर 1% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल का, विच एवर इज लेस. अदर शेयर होल्डर्स जो है उनको पब्लिक नोटिस दे दिया जाएगा, जिस जहाँ भी निधि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है तो पब्लिक नोटिस में दे देंगे उनको. नेक्स्ट कम्स ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. एक डॉक्यूमेंट जो है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मे बी साइन. अभी लिखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का तो उसको साइन कौन करेगा, मैनेजेरियल पर्सन है या फिर कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा है. अगर कोई भी कंपनी के बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो उनको कौन एग्जीक्यूट करेगा, उनको माना जाएगा डीम टू हैव बीन मेड बाय एनी पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. जिस भी बंदे को ऑथराइज किया जाएगा वो उसको साइन कर सकता है और माना जाएगा कि वो अपनी अथॉरिटी में साइन कर रहा है. कंपनी जो अपनी कॉमन सील में किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है एज अ अटॉर्नी किसी भी डील को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में. ठीक है, इनके कंपनी के पास अगर कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन कौन करेगा, या तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, वेयर एवर द कंपनी इज अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी. अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी करेगा, और जो भी अटॉर्नी साइन करेगा डीड को वो कंपनी को बाइंड करेगी उस डीड से. थैंक यू.